दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हेमंत फोड़के और आज हम लोग HTML के नेक्स्ट सेशन में इमेजेस को पढ़ने वाले हैं। आप पेज नंबर 23 पे है और आप लोग सभी लोग देखिएगा इमेजेस इन HTML, इंक्लूडिंग एन इमेज इन्हांसेस द अपीयरेंस ऑफ एनी वेब पेज। HTML मेक्स इट वेरी इजी फॉर यू टू एम्बेड इमेजेस इनटू योर वेब पेज। To insert an image into a web page, the image first needs to exist in either .jpg, .gif or .png format. You can create images in an image editor such as Adobe Photoshop and save them in the correct format. Once you have created an image, you need to embed it into your web page. To embed the image into your web page, use the image tag, specifying the actual location of the image. The attributes with image tag are listed in the following table. Dosto, image is a tag se hum HTML का इस्तेमाल करके हमारे वेब पेज में इमेज को डाल सकते हैं। आपके वेब पेज को अट्रैक्टिव करने के लिए इमेजेस आप डाल सकते हैं। आपने कई सारे यूनिवर्सिटीज की, कई सारे संस्थाओं की वेबसाइट देखी होगी जिसमें आपने इमेजेस को देखा होगा। तो हम लोग इमेज टैग का इस्तेमाल करके इमेजेस को डाल सकेंगे। यहाँ जो लिखा है द इमेज फर्स्ट नीड्स टू एग्जिस्ट इन आइदर, जो इमेज है ना वो आपकी डॉट जेपीजी में चाहिए, जीआईएफ में चाहिए और पीएनजी में चाहिए, तो ही वो आ सकती है। यू कैन क्रिएट इमेजेस इन एन इमेज एडिटर सच एज एडोब फोटोशॉप। अगर आपको कोई इमेज को बनाना है, सपोज आप कोई मोनोग्राफ बनाना चाहते हैं, कोई लोगो बनाना चाहते हैं, आप कोई नई तरीके की इमेज बनाना चाहते हैं, तो आपको फोटोशॉप वगैरह आना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताया, ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आपको आती है तो आप कुछ भी बना सकते हैं, है ना। और अगर आप कुछ भी बना सकते हैं तो आप वेबसाइट में अच्छी तरह से बना के डाल सकते हैं। और इस प्रकार से आपने अगर कोई भी इमेज को बनाया है तो उसको आप सही फॉर्मेट में आपको सेव करना है, जैसे कि आपको .jpg, .gif और .png जो भी आप करना चाहते हैं। और उसके बाद Once you have created an image, you need to embed it into your web page. अगर आपने इमेज बना ली है ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर में, तो आपको उसको यूज करके वेब पेज डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आपको उसे आपके वेब पेज में डालना है। To embed the image into your web page, use the img tag. इमेज आपको डालना है तो आपको img tag का यूज करना होगा। Specifying the actual location of the image. The attribute with img tag are listed in the following table. और img tag के साथ में आप काफी सारे attribute का use कर सकते हैं। मैं आपको उन attribute की list बताने जा रहा हूँ। Attribute का मतलब मैंने आपको बताया होता है विशेषता। क्या होता है? आप यहाँ पे देख रहे हैं src और src का मतलब location of image। src लिख के अगर आप लोकेशन ऑफ इमेज देते हो, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द सोर्स लोकेशन ऑफ द इमेज। अरे आपकी इमेज पूरे कंप्यूटर में कहाँ रखी है ये आपको बताना होगा। किसे बताना होगा? कंप्यूटर को। कैसे? कोडिंग के द्वारा, ठीक है। देन alter इक्वल टू टेक्स्ट, अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्प्लेज द टेक्स्ट व्हेन द माउस इज पॉइंटेड ओवर द इमेज। अगर आपने इमेज के ऊपर माउस पॉइंटर लेके जाने के बाद वहाँ पे इमेज का नाम अगर आना चाहिए ऐसे आपको लगता है, तो आपने अल्टर एट्रीब्यूट का यूज करना चाहिए, ओके। बॉर्डर इक्वल टू नंबर सेट्स द थिकनेस ऑफ द बॉर्डर इन पिक्सल्स, डिफॉल्ट इज 0। अगर आप कोई इमेज को बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आपने बॉर्डर इस एट्रीब्यूट का यूज करना है। विड्थ इक्वल टू नंबर विड्थ ऑफ इमेज इन पिक्सेल, यानी आपकी जो इमेज है वो आड़े में कितनी चाहिए, इट विल डिसाइडेड बाय यूजिंग विड्थ एट्रीब्यूट, ओके। देन हाइट
height equal to number specifies the height of the image in pixel. height जो है वो height attribute से decide किया जाएगा. align equal to top, middle, bottom, left, right. top very vertically align the top of the image with the surrounding text. middle vertically align the middle of the image. bottom vertically align the bottom of the image. left horizontally align the image and wrap the text that follows the image. right horizontally align the image. alignment से हमारी image जो है left right top bottom है ना हम लोग कर सकते हैं. दोस्तों आगे दिया हुआ है horizontal space hs space equal to number horizontal spacing of image from the left margin. अगर आपको इमेज जो है लेफ्ट मार्जिन से थोड़ी दूरी पे चाहिए तो आपने एच एस स्पेस का यूज करना है. और वी स्पेस जो है ये वर्टिकल स्पेसिंग ऑफ इमेज फ्रॉम द टॉप मार्जिन. टॉप मार्जिन से आपकी इमेज कितनी दूरी पे चाहिए इट विल बी डिसाइडेड बाय यूजिंग वी एस स्पेस ऑप्शन. डियर फ्रेंड्स ऑल दीज आर एट्रीब्यूट्स. दिस इज द सिंटैक्स फॉर यूज दिस एट्रीब्यूट. You must be combination with your attribute with its number or text or image or required condition. दोस्तों आपने ये जो attribute use करना है ये image इस टैग के साथ यूज करना है. इमेज जो है उसकी टैग है img. आपने एट्रीब्यूट लगाना है और उसकी वैल्यू आपको जो चाहिए वो देना है. डियर फ्रेंड्स अगर हमें ये समझना है तो हमें एक कोडिंग करनी होगी. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू मेक कोडिंग यूजिंग नोट पैड. सिंपली गो थ्रू स्टार्ट बटन एंड चूज नोट पैड. Then start to write down the coding, okay, as per your knowledge. You must have to start your coding by using HTML tag. Then you must use head tag. In head tag you have to use title tag. You can give any title which you want to see top of your web page. Just like I wish it may display HK computer point. Close title using /title option. Or /title tag, then close head. Start your body. And start to do your coding for this web page. There will be H1 tag. It will be in center and must be underlined of the given text. There is written different gestures of babies. Instead of this I wish to write down there different photos of HK or Hemant Kholge. Then close underline, close center and close heading. दोस्तों क्या हुआ है यहाँ पे हम लोग एक HTML कोडिंग कर रहे हैं.
हमने जो हमारा परंपरा है उसके अनुसार यहाँ तक के तो परंपरा निभाई हमने कि भाई HTML से शुरुआत की, हेड लगाया, टाइटल लगाया। टाइटल जो है वो आपको पता है कि कहाँ पे आता है, आपके वेब पेज में ऊपर टाइटल में, जैसे कि यहाँ पे अनटाइटल नोटपैड लिखा हुआ है, उसी प्रकार से टाइटल को आपने क्लोज किया, फिर आपने हेड को क्लोज किया, देन आपने बॉडी को स्टार्ट किया। और बॉडी में आप सबसे पहले लिखना चाहते हैं हेडिंग वन में, किसमें, और वो भी किसमें, सेंटर में, और उसको भी अंडरलाइन चाहिए, और मैटर आपका रहने वाला है डिफरेंट फोटो ऑफ ह्यूमन कोड के। और आप इस अंडरलाइन को बंद कर देंगे, आप इस सेंटर को भी बंद करेंगे, और आप इस हेडिंग को भी बंद करेंगे। दोस्तों अगर आपके दिल में ख्याल आया कि भाई ये सेंटर यहाँ पे कैसे आया, मतलब ना, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज अ एट्रीब्यूट, है ना, इसका एट्रीब्यूट है, वो एट्रीब्यूट है हेडिंग का। शायद से आप भूल चुके होंगे, इसलिए मैं आपको आपकी भूली हुई दास्तान को याद दिलाना चाहता हूँ। दोस्तों कभी हमने हेडिंग टैग को सीखा था, जब आपने हेडिंग टैग को सीखा था तो आपको सिखाया गया था कि जो हेडिंग टैग है उससे डिफरेंट डिफरेंट साइज के हेडिंग्स आते हैं, जैसे H1, H2, H3, H4, और उन हेडिंग के साथ में आप कुछ टैग का यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ आप देखिएगा, ये है आपकी हेडिंग टैग, और इस हेडिंग टैग के साथ में, जैसे आपने यहाँ से हेडिंग टैग देख लिया, उस हेडिंग टैग के साथ में कुछ एट्रीब्यूट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे सेंटर लिखा है, दिख रहा है आपको, एट्रीब्यूट वैल्यू सेंटर, एक्सेलरेशन सेंटर, अलाइन टेक्स्ट, है ना। तो आपने अगर हेडिंग के साथ में सेंटर लगाया तो हेडिंग कहाँ पे आएगा दोस्तों, वो सेंटर में आएगा, वो स्पेशल किसका एट्रीब्यूट। अच्छा आपने ढेर सारे एट्रीब्यूट सीखे है ना, हर एक टैग का उसका पर्सनल एट्रीब्यूट है ना आपके पास में। ये देखो आपको फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से पेज पलटा हूँ आपको दिखाऊंगा मैं, ये देखो अगर मान लो हम पढ़ रहे हैं कौन सी टैग, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट, है ना, UL, तो उसमें देखो एट्रीब्यूट क्या है, LI, दिख रहा है। और देखो ये देखो टाइप, दिख रहा है ना टाइप एट्रीब्यूट, सिंटैक्स दिस स्क्वायर सर्कल, दिख रहा है। उसके बाद में आप देखो आगे में, ये देखो इसमें और एक है टाइप, इसमें सिंटैक्स में 1AAI, है ना, हमने ये सब सीखे। और इससे जो जो रिक्वायर्ड चेंजेस आपको मिलने थे वो मिलते गए, जैसे अगर हमने A लगा दिया तो ABCD आई, है ना, नंबर लगा दिया तो 1 2 3 4 आया, स्क्वायर लगा दिया तो चौकोर आए, सर्कल लगाया तो गोल आए, बराबर है ना। आपको भूले पुरानी बात याद आ रही कि भूल गए आप, हाँ। और इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये किया। अब देखो दोस्तों अगर हम लोग इस बात टेबल टैग की बात करते हैं, कौन सी टैग है ये, कौन सी टैग है, टेबल टैग है। इस टेबल टैग के साथ में देखो एट्रीब्यूट जो लगाया हमने, दिख रहे हैं आपको, ये लगाए थे ना, ये टेबल टैग के एट्रीब्यूट थे और उसकी ये सिंटैक्स वैल्यू थी उसकी। वैसे अभी हमने जो सीखा वो क्या था, इमेज क्या था, और इमेज जो है उस टैग के एट्रीब्यूट ये है, दिख रहे हैं आपको। अब मैं यहाँ पे कोडिंग बना रहा हूँ, जैसे मैंने कोडिंग में यहाँ पे लिखा है सेंटर और फिर डिफरेंट गेस्टर्स ऑफ बेबीज, मैंने क्या लिखा, डिफरेंट फोटोज ऑफ हेमंत खोड़ के। अब उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, हेडिंग लगाया ना, तो हेडिंग को मैंने क्या कर दिया, बंद, दिख रहा है आपको, बंद किया, इन लोगों ने यहाँ नीचे किया, मैंने ऊपर के ऊपर किया, ठीक है। अब मैं लगा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, HR, भूल गए आप, HR नाम की एक टैग थी हमारे पास में लाइन खींचने के लिए, लगा लिया। उसका साइज मैं लगा रहा हूँ, कितना साइज लगाना है आपको, 3। उसको ना मैं नो शेड लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, नो शेड का मतलब क्या होगा, नो शेड का मतलब होगा ब्लैक एंड व्हाइट, है ना। यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन का साइन नहीं लगाया। अब देखो दोस्तों समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब भी आप whenever you
आपको यूज करना है इमेज, है ना। इमेज के साथ में कुछ आपको एट्रीब्यूट्स है, जैसे SRC क्या है, ALT हाइट विड्थ बॉर्डर अलाइन, सारे एट्रीब्यूट आप पढ़ सकते। देखो ये मैंने आपको सिखाया ना, अभी बताया ना आपको SRC क्या करता है, आपके इमेज की लोकेशन क्या बताता है। ALT क्या करता, उसके ऊपर में कर्सर लेने के जाने के बाद नाम आता है, हाइट से हाइट विड्थ से विड्थ, समझ में आया ना। हॉरिजॉन्टल स्पेस से हमारे लेफ्ट साइड से जगह छूटती है, वर्टिकल स्पेस से ऊपर से जगह छूटती है, समझ रहे हैं बात को दोस्तों। हमको ऐसे बनाना होगा यहाँ पे, और ऐसा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप जो आपको ये कोडिंग टाइप करना है उसमें पहले आप अपना इमेज, अब इमेज में SRC में मैं इमेज डालूंगा, पर मेरी इमेज कहाँ है ये कंप्यूटर को बताना है। क्या करना है, अब मेरी इमेज कहाँ है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कुछ लिख लूँ तो आएगा क्या, मुझे इमेज कहाँ है वो लिखना होगा। क्या लिखना होगा, इमेज कहाँ है वो लिखना होगा। मैं इक्वल टू कहूँगा, क्या कहूँगा, इक्वल टू कहने के बाद में मैं बताऊँगा मेरी इमेज कहाँ है, तो पहले मुझे इमेज कहाँ है वो पता रहना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी इमेज कहाँ ढूंढता हूँ। देखो कंप्यूटर में डी ड्राइव में DTP स्पेशल, यहाँ पे HK मुंबई, यहाँ पे HK फोटो, और यहाँ पे HK बेस्ट, और यहाँ पे ये फोटोज है मेरी। अब ये फोटो जो मैंने रखी हुई है, ओके, ये फोटोज जो मैंने रखी हुई है, इन फोटो को मुझे कोडिंग में डालना है। कहाँ डालना है, कोडिंग में, ठीक है दोस्तों। ये जो लोकेशन है आप यहाँ देख रहे हैं, मैं आपको इसका रास्ता दिखाऊंगा, सीधा सीधा पाथ दिखाऊंगा। देखिए आप, ये आपका देखिए डी ड्राइव है, डी ड्राइव में क्या है, DTP स्पेशल में क्या है, HK मुंबई में क्या है, HK फोटो में क्या है, और HK बेस में क्या है, फोटो जो भी है। ये मेरा रास्ता है, जरूरी नहीं ये रास्ता हमेशा इतना ही लंबा होगा, इतना ही कठिन होगा और ऐसे ही होगा, है ना। जिस व्यक्ति का कंप्यूटर है वो कौन सा फोल्डर का नाम रहता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सपोज मैं दूसरा फोल्डर खोलता हूँ यहाँ पे, अब मान लो मैं यहाँ पे आया, मैंने ये लिया, देखो DTP स्पेशल वॉलपेपर, बस ये बस तक पहुँचने के लिए रास्ता क्या है, DTP स्पेशल वॉलपेपर बस, डी ड्राइव DTP स्पेशल वॉलपेपर बस, बराबर है ना दोस्तों। जो फोटो जहाँ पे उसका रास्ता आपको यहाँ नजर आएगा और हम लोग उसी को यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। अब मान लो मैं रास्ता आपके सामने बना के रख देता हूँ कि भाई मेरा रास्ता ये था कि भाई ये DTP स्पेशल और ये HK मुंबई, ये HK फोटो और ये HK बेस्ट और ये मेरी फोटो थी, ये रास्ता सामने रखता हूँ मैं ताकि मुझे आसानी हो जाए। ये जो फोल्डर्स है ना इसके नाम जो है ना जैसे कि वैसे आपको टाइप करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे H में K छोटा है तो K छोटा ही निकलना पड़ेगा, या HK फोटो में P छोटा है कि बड़ा है तो आपको छोटा ही रखना पड़ेगा। यहाँ HK लिखा है, यहाँ पे कोई स्पेस है क्या, तो आपको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। यहाँ DTP लिखा है उसमें स्पेस नहीं है, पर स्पेशल में और DTP में स्पेस है कि नहीं है, है तो आपको रखनी पड़ेगी, समझ रहे बात को आप, जैसे वैसे आपको लिखना पड़ेगा। हम लोग इस प्रकार से इमेज लगाएंगे। अभी देखो मैं यहाँ पे इमेज लगाता हूँ, जैसे यहाँ पे आपके नोट्स में आपको नजर आ रहा है, ये देखो ये आपके नोट्स हैं, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक इमेज है SRC इमेज डी ड्राइव, उसमें MKS, उसमें वॉलपेपर, उसमें baby.1jpg है ना। अब ये रास्ता हमने लिख के कोई फायदा है क्या, हमारे पास में तो ऐसा नहीं है ना, हमारे पास थोड़ा सा अलग रास्ता है। हमारा भी फोटो कहाँ पे बताओ, तो हमने डी ड्राइव बना लिया पहले तो, फर्स्ट एट ऑल वी क्रिएट डी ड्राइव, ओके। लेकिन डी ड्राइव कैसे लिखना है तो उसका तरीका है, पहले क्या लेना है, इन्वर्टेड कॉमा क्या लेना है ना, फिर आपने डी ड्राइव लेना है D:, और फिर लगाना है /, क्या लगाना है, लगा लिया। और अब ये रास्ता आपको ढूंढना है, वेयर इज योर रास्ता, ये रास्ता है डी ड्राइव में DTP स्पेशल, लिखा कैसा है वही स्टाइल में लिखना पड़ेगा, आप लिखने में गलती करेंगे आपकी फोटो नहीं खुलेंगे। DTP स्पेस S बड़ा PECIAL बराबर है ना, स्पेस, फिर /, कौन सी स्लैश, सेकंड क्या है, HK मुंबई, HK.space मुंबई का M बड़ा, बराबर है ना, आपको as it is टाइप करना होगा, H.K.space
स्पेस एम बड़ा ओके फॉरवर्ड स्लैश उसके बाद का सॉरी उसके बाद में लिखा हुआ एच के फोटो एच के और पी छोटा है क्या है आपने लिखा एच के पी छोटा बाकी सब बड़ा फिर फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद जो लिखा है वह है एच के बेस्ट एच के बेस्ट की छोटा है आप है ना एच के बेस्ट और बेस्ट में एच में के छोटा बी ई एस टी एच बड़ा के छोटा फिर बी बड़ा ई एस टी है ना और बाद में फिर उसके बाद में क्या है बताओ उसके बाद में है फोटो जैसे एच ए वन डॉट जे पी जी क्या है तो आपको भी लिखना होगा ए वन डॉट जे पी जी आप लिखेंगे यहाँ पे ए वन डॉट जे पी जी और फिर इसको आप क्या करेंगे इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे ऐसे ठीक है ना और दोस्तों यहाँ पे मैं ये जो बोल रहा था मैं बड़ा सॉरी ये बड़ा और वो बड़ा है ना वो क्या था पता है क्या आपको वो ऐसा था कि जो फोल्डर के नाम थे वो चाहे बड़े रहे या छोटे रहे है ना वो बड़े रहेंगे तो बड़ा लिखना पड़ेगा और छोटा रहेगा तो छोटा लिखना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आप सर ने एक की छोटा लिखा तो आप भी छोटा ही लिखेंगे ऐसा रहेगा क्या ऐसा नहीं रहेगा ठीक है कभी कभी किसी को कंफ्यूजन होता है इसलिए मैंने थोड़ा सा बात क्लियर की है कि ऐसे नहीं रहेगा जो है आपको वैसे उसको टाइप करना होगा ठीक है आप दोस्तों ये बात तो तय होगी कि ऐसा आपका फोटो यहाँ पे आने वाला है देन आफ्टर आप क्या करने वाले हो आप उसके ऊपर में कर्सर लेके जाओगे तो आपको एक नाम चाहिए और वो नाम क्या चाहिए वो आप यहाँ पे बनाओगे आप यहाँ पे क्या करोगे आप यहाँ लिखोगे ए एल टी क्या लिखोगे और उसमें आपको क्या चाहिए आपको लगता है कि भाई मैंने यहाँ पे क्या लिखना है तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं द ग्रेट लव क्या लिखा है द ग्रेट लव तो आपने अगर मान लो यहाँ पे लिखना है द ग्रेट लव द ग्रेट लव ठीक है आपने लिखा द ग्रेट लव और इसकी हाइट जो है आपको रखना वो आप रखना चाहते हैं एच ई आई जी एस टी हाइट रखना चाहते हैं 150 कितनी विड्थ विड्थ यानी क्या आड़े में आप रखना चाहते हैं कितना बॉर्डर आप रखना चाहते हैं अलाइनमेंट आप क्या रखना चाहते हैं बाद में आप इसको क्या करना चाहते हैं और फिर आप इसमें क्या लिखना चाहते हैं द ग्रेट एल ए यू जी एच लव और इसका बोल्ड आप क्या करना चाहते हैं और इसकी इमेज को मतलब इमेज जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो टैग को आप क्या करना चाहते हैं दोस्तों ये हो गई पहली तैयारी क्या हो गई आप क्या करते हैं आपको मैं रिजल्ट दिखाता हूँ अभी से रिजल्ट दिखाना शुरू करता हूँ मैं आपको ये हो गया खत्म बॉडी टैग को करो बंद क्या करो बॉडी टैग को करो बंद फिर आपने हेड को तो बंद किया हुआ है एचटीएमएल को करना पड़ेगा बंद दोस्तों इसको सेव कर डालते हैं फाइल में आते हैं और क्या करते हैं सेव इस बार हम हेमंत खोड़के के फोल्डर में सेव करने वाले और नाम देने वाले हैं इमेज डॉट एचटीएमएल और सेव दोस्तों इसका आउटपुट क्या है जरा देखते हैं इसका आउटपुट क्या है जरा हम देखते हैं ये फोल्डर हमारा और ये इमेज 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 ये है राइट क्लिक ओपन गूगल क्रोम दिखा गया दोस्तों डिफरेंट फोटोज ऑफ हेमंत खोड़के द ग्रेट लव क्या आया द ग्रेट लव बराबर है ना क्या चीज बोले आपने कहाँ पे इसको सेव करते हैं यहाँ पे अलाइन का स्पेलिंग जो हमारा मिस्टेक हो गया था हमने सही किया है फाइल में आके सेव कर रहे हैं
और एक बार इसको आपस में आके रिफ्रेश कर लो, आ गया? ठीक है, अब यहाँ से आगे हमारे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। सेकंड इमेज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? अब इसके नीचे में इंटर मार के मैं कोडिंग ऐड कर रहा हूँ, सेकंड इमेज IMG SRC। और यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है, देखो डायरेक्ट बेबी टू लिखा है, क्या लिखा है? अब मुझे मेरी फोटो चाहिए यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। पर दोस्तों जब तक कि आप लोकेशन नहीं देंगे तो फोटो आ सकती है क्या? लेकिन एक शर्त पे आ सकती है, जहाँ पे आपका आपका कोडिंग सेव हो रहा है उस कोडिंग में ही अगर आपकी फोटो रहे तो फिर आपको लोकेशन बताने की जरूरत है क्या? आप जिस फोल्डर में आपका कोडिंग सेव कर रहे हो अगर आपकी फोटो उस कोडिंग में ही है तो आपको लोकेशन बताने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। इसके पहले भी आपने देखा था, आपने इसके पहले बैकग्राउंड में एक इमेज डाला था और वो इमेज आपने फोल्डर में ही रखा था, इसलिए आपको कोई तकलीफ नहीं की थी, डायरेक्ट बैकग्राउंड में इमेज आ गई थी। अब वही काम हम लोग यहाँ पे एक बार करने वाले हैं। अगर मान लीजिए आपने लोकेशन बताया तो ये तो पक्का आने वाला है, पर आपको अगर लोकेशन नहीं बताना है तो कम से कम आपको क्या करना होगा, आपको वो फोटो को आपके कोडिंग में ला के रखना होगा, जहाँ पे कोडिंग सेव करते हैं वहाँ पे ला के रखना होगा, जैसे कि DTB स्पेशल में, HK मुंबई में, HK फोटो में, ये जो बेस्ट में ये जो फोटो है, इस फोटो को मैं यहाँ से निकाल के कहाँ रखना चाहता हूँ, वो अपने फोल्डर में रखना चाहता हूँ जहाँ मेरा फोल्डर है, और मेरा फोल्डर जो है वो यहाँ है, पता है ना आपको, ये मेरे प्रोग्राम से ये हेमंत खोड़के का फोल्डर है, इस फोल्डर में आके मैं उस फोटो को रख देता हूँ, ठीक है। फोटो का नाम है HK2। और अब मैं क्या करता हूँ, ये जो SRC है, इस SRC को ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो इमेज है ये डायरेक्ट देने वाले हैं। आपने यहाँ पे देखा इमेज SRC, और यहाँ पे अब हम लोग वो इमेज का नाम, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मेरी इमेज जो है वो यहाँ पे है, उसका नाम क्या है बताओ, A2। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखो A2.jpg, ठीक है। A2.jpg लिखने के बाद में आपने क्या करना है, डायरेक्टली आगे जो भी वर्क करना है, जैसे आपने यहाँ पे अल्टर लिखा ALT, और आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं द कंप्यूटर जेट, ठीक है। और उसके बाद में आप इसको अलाइनमेंट क्या देना चाहते हैं, आप इसको अलाइन करना चाहते हैं मिडल, क्या करना चाहते हैं, और बाद में इसको आप क्या करना चाहते हैं बोल्ड, और आप वहां पे लिखना चाहते हैं द कंप्यूटर JENT, आप बोल्ड को बंद करना चाहते हैं, आपने बोल्ड को बंद कर दिया, और आप इमेज को बंद करना चाहते हैं, इमेज को बंद किया। दोस्तों पहले इसका परिणाम तो देख लेते हैं, जरा फाइल में आके सेव बोल रहे हैं और इसका परिणाम देखिए आप क्या हुआ बताओ, जस्ट उसके आगे में यहाँ पे लिख के आ गया था कंप्यूटर जेंट, आ गया ना, और हमको ऐसा चाहिए क्या? नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो हमने गलती की हुई है, इसी सबसे पहले तो हमने बीच में एक लाइन देना था, दिए क्या हमने? नहीं दिए, कोई बात नहीं, फिर भी वो आना चाहिए ना। हाँ, तो देखो आप दोस्तों देखिए आप, मैं क्या कह रहा हूँ आप सुनिए, आपने इमेज SRC A2.jpg लिखा, यहाँ पे आपने इन्वर्ट कॉमा नहीं लगाया, तो वो क्या हुआ, तो वहाँ की फोटो नहीं आई पहली बात, ठीक है। अब मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगाया तो फोटो आएगी, फाइल में आके सेव करता हूँ, और आपने यहाँ से देखा फोटोग्राफ आ गई। अब दोस्तों फोटोग्राफ तो आ गई है ना, लेकिन बीच में लाइन नहीं आई, और अगर आपको लाइन देना है तो आपको बीच में लाइन डालना पड़ेगा, और उस लाइन को कहाँ डालेंगे आप देखिएगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आपकी जो लाइन है ऊपर में आपने यहाँ पे लाइन दिया था कहीं पे, ये देखिए हॉरिजॉन्टल साइज 3 नो शेड है ना,
अगर आपको ये एक मैटर आपका ख़त्म होने के बाद में जो नया आप शुरू कर रहे हैं उसके बाद में लाइन चाहिए, तो आपने इसके नीचे यानी यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपने लाइन देना है। तो आपने अगर मान लीजिए यहाँ पे लाइन देने के लिए बात की, चर्चा की, तो आपने इस प्रकार से कोडिंग को यहाँ पे फिट कर दिया आपने, और इसको फाइल में आके सेव बोल दिए। अब देखिएगा आप आगे लाइन, यहाँ पे भी आपको लाइन नज़र आ रही है। अब देखिए दोस्तों, आप तीसरी फोटो को डालना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तीसरी फोटो को डालना चाहते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर आप उसको विड्थ बताएं, क्या बताएं विड्थ, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल साइज जो है वो 3 का, नो शेड जो है वो तो मैंने कोई कलर नहीं, और विड्थ बताया है 250। क्या बताया, पहले बार में विड्थ नहीं बताया था, पर इस बार में क्या किया, विड्थ बताया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे विड्थ बताया उसको, क्या करें, विड्थ बताए, नो शेड के बाद में अगर आप लिख दे कि भाई विड्थ कितना, विड्थ 250, और आप इसको सेव करें और एक बार वापस से इसका आउटपुट आप नज़र देखें, दिख रही है आपको, आपकी लाइन 250 ही विड्थ में आ गई है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार चाहते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम लोग अगर कोडिंग की बात करें तो देखिएगा, आपको थर्ड आप इमेज डालना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप, थर्ड इमेज, और थर्ड इमेज के पहले आप क्या देना चाहते हैं, फिर से एक बार लाइन, क्या देना चाहते हैं, तो आपने फिर से एक बार लाइन देने के लिए आपने इस कोडिंग को लेना है, और इस कोडिंग को आपने यहाँ पे डालना है, और इस बार आप लाइन जो है ना वो इस बार भी आप 250 ही रखना चाहते हैं, और इमेज जो है वो आप क्या करना चाहते हैं, देखिए ये IMG इमेज टैग का इस्तेमाल किया आपने, SRC सोर्स, वो इमेज कहाँ पे है, तो अगर मान लो जहाँ पे है वहाँ का सोर्स देंगे तो वहाँ से आएगी, पर अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने फोल्डर में उस इमेज को रख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से देखो ये इमेज को डालना चाहता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मेरे फोल्डर में यानी इस फोल्डर में डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसका नाम डायरेक्ट अगर दूँ, क्या है, A4.jpg, क्या है, तो मैं इस इमेज को डायरेक्टली खोल सकता हूँ A4.jpg बोलने से। देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली अगर लिखूँ कि भाई A4.jpg और फिर उसके आगे जो भी लिखना है ALT इक्वल टू द क्वींस, इसकी हाइट जो है ये आपको कितनी चाहिए, हाइट आपको चाहिए 80, विड्थ कितना चाहिए, कितना चाहिए, विड्थ भी आपको 80 चाहिए है ना, और फिर बोल्ड चाहिए ना, और वहां लिखना है द क्वींस, क्वींस कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे तो हेमंत देना द HK अपन हम लोग ऐसे करेंगे, और आपने यहाँ पे इसको बंद कर दिया, बोल्ड की टैग को बंद कर दिया, और इमेज को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, बॉडी को तो बंद किया है ना, इसको हम फाइल में आके सेव करते, क्या करते, सेव, और एक बार देखते तो यहाँ पे आया लिख के द एच के, क्या लिख के आया, द एच के, कुछ मिस्टेक्स है तो हम देख लेते हैं एक बार, बोल्ड को बंद, इमेज को बंद, इमेज ऐसा A4.jpg ALT द ट्विंस, हाइट 80, विड्थ 80, बोल्ड को शुरू किया, द ट्विन द एच की लिखा और बोल्ड को बंद किया, ठीक है, फिर इमेज को बंद किया, ओके। कहाँ पे, दोस्तों सही है, आप देखिएगा आगे में। अब देखिए दोस्तों, हमको जो बात करना है वो ऐसी है, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, देखिए पहले आप, हम लोग ने यहाँ पे देखा कि भाई एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, यानी यहाँ पे ये फोटो जो है वो हमने लोकेशन से लाई, कहाँ से लाई, सोर्स लोकेशन दिया, ये फोटो वहीं पे रखी थी, ये इतनी बड़ी क्यों है बताओ,
इसका क्या है, तो इसका यहाँ पे साइज बड़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोडिंग में ये हाइट और विड्थ 150 है, कितनी है। और उसके बाद में ये जो फोटो है नीचे वाली, ये भी हमने डायरेक्टली लाया है, कॉपी करके रखा था हमारे अपने सोर्स पे, है ना, डायरेक्ट उसी फोल्डर में, और हमने कोई लोकेशन नहीं दिया, डायरेक्ट आ गई हो, लेकिन ये वो छोटी है क्योंकि इसका साइज क्या है 80। अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस 80 को बढ़ा के 200 करते, क्या करते, और आप देखेंगे कि भाई 200 में क्या होती है। फाइल में आते हैं, सेव करते हैं और देखते हैं 200 में क्या हुआ, कुछ हुआ, बढ़ गई, है ना। उसके बाद अब ये जो लोकेशन है, हमने जो लोकेशन जो है यहाँ से जैसे ये डी ड्राइव में, डीटीपी स्पेशल में, एचके में, मुंबई में, एचके फोटो में, ये सब A4 था, है ना, A1 था। वैसे A2 कहाँ पे, अब ये A2 हमने डायरेक्ट दिया, मतलब इसका इस लोकेशन से कोई मतलब है क्या, नहीं। ये कहाँ पे, हमारे फोल्डर में। अब दोस्तों अगर मैं फोल्डर से, ये मेरा जो फोल्डर है, यहाँ से ये फोटो को डिलीट कर दूँ, क्या कर दूँ, ये फोटो वहाँ पे जा कहाँ से रही है, यहाँ से आ रही है ना, है ना, डायरेक्ट यहाँ से आ रही है, मैं इस फोटो को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, कर दिया। हमारे कोडिंग में आके देखते हैं, ये कोडिंग में तो है, और मैं भी इसको रिफ्रेश किया, गई मेरी फोटो, क्योंकि वो फोटो अभी फोल्डर में है ही नहीं, तो यहाँ पे कहाँ से आएगी, समझ रहे क्या बात को। अब दोस्तों मैं इसको क्या करता, उस लोकेशन पे लेके जाता, कहाँ पे लेके जाता, उस लोकेशन पे, कैसे लेके जाता, देखो ये हमारी फोटो है वहीं पे ना, डी ड्राइव में, डीटीपी स्पेशल में, एचके मुंबई में, एचके फोटो में, एचके बेस्ट में, और ये पूरा इतना ही है, बराबर है ना, कम्प्लीटली इतना है। और मैं यहाँ से उठा रहा हूँ इतना इतना इतना, और इसको यहाँ से कॉपी करके इसके आगे डाल देता, डी ड्राइव, डीटीपी स्पेशल, एचके मुंबई, एचके फोटो, एचके बेस्ट, A2.jpg है, बराबर, समझे क्या मैंने क्या किया। और मैंने इसको फाइल में आके सेव कर दिया, और इस बार देखते हैं करिश्मा कुदरत का, जय श्री राम, ठीक है। फिर से एक बार फोटो आपको मिल गई, जबकि उस लोकेशन में भी फोटो नहीं है, पर मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको उस लोकेशन में भेजा जहाँ पे ये फोटो है। वैसे अभी इस फोटो को भी करके देखते हैं, इमेज SRC A4, ये वाली फोटो, ये वाली है नीचे वाली। अब मैं क्या करता, मेरे फोल्डर से डिलीट करता, देखो मेरे फोल्डर में ये फोटो यहाँ पे है, ये वाली है ना, इसको राइट क्लिक करता और यहाँ से मैं क्या करता, डिलीट। जैसे मैं यहाँ से डिलीट करूँगा, मेरे कोडिंग से वो फोटो निकल जाएंगी, देखो निकली क्या, पर मुझे फोटो यहाँ पे चाहिए, तो मुझे उसका लोकेशन बताना पड़ेगा, जो लोकेशन मेरे पास में है। मेरा लोकेशन क्या है बताओ, मेरा लोकेशन यहाँ पे है, कहाँ पे, कंप्यूटर के डी ड्राइव में, डीटीपी स्पेशल में, एचके मुंबई में, एचके फोटो में, एचके बेस्ट में। तो अब मैं अगर लिखूँ वहाँ पे तो आएगा, लेकिन मैं लिखते क्यों बैठूंगा भाई, मेरे पास में अगर वो पहले से लिखा हुआ है तो मैं क्या करूँगा, कॉपी करके पेस्ट करूँगा, बराबर है ना। जब वही सफेदी और वही झाग कम दाम में मिले तो मैं ये लूँगा ना, वो क्यों लूँगा, सही बात है ना। तो मैंने यहाँ से इसको लिख लिया, और ये मेरी थर्ड फोटो आ गई है। जैसे फाइल में आके आपने सेव किया, और ये देखिए आप रिजल्ट, आपको फिर से वो फोटो मिल गई, है ना दोस्तों। तो आई होप आपको ये बेहतर समझ में आ चुका होगा, और आप इस रिगार्ड से अपने वेब पेजेस में आज जो सीखे हैं उसमें फोटोज़ को डालना सीखे हैं, है ना। इसके पहले जो सीखा था हमने सिर्फ बैकग्राउंड दिया था, क्या दिया था, पर आज आप बैकग्राउंड तो दे ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप अलग अलग फोटोज को यहाँ पे डाल सकते हैं, अलग अलग साइजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक के आगे एक डाल सकते हैं, एक के नीचे एक उस फोटो को रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको इतना बेहतर समझ में आया होगा, इतनी प्रैक्टिस आप करेंगे उसके बाद में मैं आपको मिलूंगा मेरे नए लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, शुभ आखिर और शुभ दिन, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।